बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 16/9/2010। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति से समझना है। जो यथार्थ रीति से समझते हैं वो कभी भी किसी के भी पार्ट को देखते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों और क्या का प्रश्नार्थ चिन्ह उनके पास नहीं उठेगा, क्योंकि जो भी खेल में जिसका जो पार्ट चल रहा है, मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट चल रहा है। आज का मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उसका उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। जब हम शक्तिशाली बनेंगे तो प्रभाव निकलेगा, अभी वो जौहर नहीं है। बाबा कहते हैं अभी वो शक्ति आई नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़े, बाबा की याद में रहना पड़े। तो याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। अगर ज्ञान के साथ शक्ति होगी तो वो प्रभाव डालेगा, और अगर ज्ञान के साथ शक्ति नहीं होगी तो उस ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कोई भी फल नहीं निकलेगा, न फल प्राप्त होगा। तो ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। बाबा हम बच्चों को हमारे पुरुषार्थ की रिजल्ट बता रहे हैं, तो अभी हमें उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी याद की यात्रा को बढ़ाना है। अगर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। नंबर दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है, क्योंकि स्वाभाविक ही हंस और बगुले साथ में होंगे तो कहां न कहां खिटपिट तो होती रहेगी, परंतु हमें सहन करने की शक्ति धारण करते हुए विजयी बनना है और कमल फूल के समान प्रसन्न चित्त भी रहना है। आज का वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां माना कौन सी? तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावन हार है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा ही करण करावन हार है, नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं कि आत्मा भी
करण करावन हार है। करावन हार और करण हार ये विशेष शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है आज का, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए। कौन सी पालना? अव्यक्त पालना, जो कि हमें मीठे मीठे शिव बाबा की अव्यक्त पालना मिल रही है, जैसे ये ज्ञान मुरली जो हम सुनते हैं, परंतु सुनकर के हम मीठे मीठे बाबा को याद करते हैं, तो ये याद में जो शक्ति का मिलना, मुरली सुनकर गुणों का भरना, ये सब क्या है? ये है अव्यक्त पालना। तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो, अर्थात जो दिल में है वही बाहर हो, अंदर बाहर समान होने चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। रचाए सा।